सेना दिवस पर हर साल 15 जनवरी को यह मनाया जाता है। दरअसल आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान अपने हाथ में ली थी। फ्रांसिस बुचर भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारतीय आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ बने थे। करियप्पा के भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में हर साल ये दिन मनाया जाता है। करियप्पा पहले ऐसे ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया था। आर्मी डे पर पूरा देश थल सेना के अदम्य साहस, उनकी वीरता, शौर्य और उनकी कुर्बानियों को याद करता है। लेफ्टिनेंट जनरल के.एम. करियप्पा ने जनरल सर फ्रांसिस बुचर को जनवरी 1949 को भारत के कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। यह दिन हमारे देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। निस्वार्थ सेवा और भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण और सबसे बढ़कर देश के लिए प्यार। हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय सेना अमेरिका, रूस और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में शुमार है। तो 72वां सेना दिवस आज है और इसकी कुछ छलकियां भारतीय सेना के अदम्य शौर्य, अदम्य साहस की, शौर्य की और भारतीय सेना के बलिदान की एक बहुत बड़ी गाथा रही है, उसको सलाम किया जाना चाहिए। और आज ही का दिन ऐसा होता है जिस दिन आज हम अपने सैनिकों को याद करते हैं जिन्होंने अपना परम बलिदान दिया।